हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैलेंज टीचिंग क्लास में। और आज के इस वीडियो में बनाएंगे हम करीब 12 से 13 साल की लड़की के लिए टॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ये करीब 1.5 मीटर कपड़ा है। 1.5 मीटर कपड़े की जरूरत होगी हमें टॉप बनाने के लिए। ये हम अम्ब्रेला टॉप बनाएंगे। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। पहले देखिए, इसको हम उल्टा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से ये चौक जो हम मार्किंग करेंगे वो अच्छे से समझ आए आपको। इसको हम इस तरह से उल्टा करके और तिरछा फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए ये हमने इस तरह से देखिए फोल्ड कर लिया है। देखिए ये हमने तिरछा फोल्ड कर लिया है। ये देखिए ये बंद वाली साइड देखिए हमारी तरफ है, और देखिए यहाँ से ये दो साइड देखिए खुली है, दो साइड देखिए बंद है। इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है। अब देखिए मार्किंग शुरू करते हैं अपनी हम। सबसे पहले निशान लगाएंगे अपने तीरे का। हम तीरे में रखूंगी 5.5। देखिए जहां भी आपका 5.5 देखिए इस तरह से आता है, इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने 5.5 पर निशान लगा लिया तीरे का। अब निशान लगाएंगे अपने आर्म होल का। देखिए इस तरह से 5.5 ही में आर्म होल रखूंगी। ठीक है, हमें इसमें हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे तो थोड़ा कम ही रखेंगे आर्म होल। देखिए 5.5 में इस तरह से ये निशान लगा लिया है। अब एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे ऊपर, ऊपर से करीब 14 इंच पे यहाँ हमारा कमर का निशान आएगा। देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट हमारे जैसे 32 है तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 8, और उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे तो हम 10 का निशान लगा लूंगे। देखिए इस तरह से और निशान लगाएंगे अपनी कमर का। तो कमर हमारी 28 है, उसको फोर्थ पार्ट होगा 7, और उसमें करीब हम 1.5 इंच हम प्लस करेंगे। देखिए 7 करीब इस तरह से 8.5 में निशान लगा लेंगे। देखिए इसे मिला देंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ अपने आप हम गोलाई देंगे। देखिए इस तरह से, और अब निशान लगाएंगे फिर लेंथ का। तो आप जितनी लेंथ आपको रखनी है उसका निशान लगा देंगे यहाँ से। आप मुझे लेंथ रखनी है 26 निशान लगा लूंगी, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस तरह से स्टेप में यहाँ रखते हुए हम पूरे में 26.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये कपड़ा कम पड़ेगा, यहाँ बाद में हम जॉइंट लगा देंगे। देखिए इस तरह से अब यहां से हम देखिए इस तरह से हल्की सी गोलाई करते हुए इसको इस पॉइंट से देखिए मिला देंगे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है टॉप की। अब इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए पहले यहां से कट करेंगे इसे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए जो हमारा कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, देखिए इसे हम देखिए इसे इस तरह से रखेंगे। देखिए मैं 2 पीस देखिए कम पड़ रहे हैं। देखिए इसे हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। देखिए जहां तक हमारा ये आ रहा है इस तरह से हम हाथ से देखिए
इसे कट कर लेंगे। ये देखिए मैं काट लिया है, बाद में देखिए हमारा इस तरह से यहाँ जॉइंट होगा इस तरह से। देखिए यहाँ जॉइंट होके हमारा देखिए इस तरह से आ जाएगा। चलिए इसको जॉइंट हमने कट कर लिए, अब इसका हम नेक कट करेंगे। तो चलिए इसका नेक कट करते हैं हम। तो देखिए चौड़ाई में लूंगी इस तरह से करीब 3 इंच। गहराई में से करिए 4.5 इंच लूंगी। यहां से 3 इंच लेंगे। यहां शेप देंगे राउंड। ये बैक और फ्रंट दोनों में हमें सेम नेक कट करना है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ खोलकर आपको। ये देखिए हमारे इस तरह से आएगा। अब बैक पार्ट में सेम इसी तरह से नेक कट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स से सिलाई शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसके जॉइंट जो हमने कट किए थे वो जॉइंट लगा लेंगे हम। तो देखिए ये हमने जॉइंट कट किए थे, देखिए ये हमने इस तरह से जॉइंट कर लिए। देखिए ये दो ही पीस हमारे देखिए कम पड़ रहे थे, तो देखिए हमने इस तरह से ये जॉइंट कर लिए दोनों। एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे ताकि हमारा जॉइंट दिखाई न दे, थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं हम। फ्रेंड्स ये हमने जॉइंट पर देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसका हम नेक बनाएंगे। तो देखिए नेक के लिए मैंने देखिए और ये पट्टी काटी हुई है इस तरह से। इसकी चौड़ाई करीब 2 इंच है, तो इस तरह से देखिए हमने ये पट्टी काटी हुई है। अब इसे हम सी तरफ अटैच करेंगे अपने नेक पर, देखिए इस तरह से। चलिए इसे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने देखिए ये और एक पट्टी देखिए अटैच कर ली है। अब यहाँ हम कट लगा लेंगे, देखिए इस तरह से, ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। देखिए हमने कट लगा लिए। अब इसे हम उल्टी तरफ देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। उल्टी तरफ देखिए फोल्ड करके इस कपड़े को देखिए हम जो पट्टी है इसे एक बार और फोल्ड करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा नेक देखिए बन गया है। और सेम इसी तरह से हमने ये देखिए अपना बैक नेक भी तैयार कर लिया है। देखिए दोनों नेक हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें देखिए इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो देखिए इसके हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। हमने देखिए शोल्डर अटैच कर लिया इसके।
अब इसके हम आर्म होल तैयार करेंगे। तो इस पर भी हमें और एक पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए हमने ये और एक पट्टी कट की हुई है, थोड़ी बड़ी कट की है क्योंकि मैं दोनों आर्म होल हमें एक साथ बनाने हैं। देखिए मैं इस तरह से बड़ी पट्टी कट की हुई है, देखिए इसमें भी हमें सी तरफ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से जिस तरह से नेक में अटैच की थी हमने, सेम उसी तरह से यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे हम इसे। देखिए यहाँ पर अटैच करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने आर्म होल देखिए दोनों तैयार कर लिए, ये लगभग हमारा टॉप कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग आपको जो आपका नाप है सिर्फ आप कमर तक करेंगे हम फिटिंग, नीचे से हम ज़्यादा फिटिंग करेंगे, फिर यहाँ से हम हल्का हल्का दबाएंगे। तो यहाँ से फिटिंग करनी है आपको जहाँ तक कमर आपकी, आप से देखिए निशान लगा लिया है, ये देखिए यहाँ कमर तक हमने फिटिंग का लगाया है और बाकी यहाँ हम हल्का हल्का दबाएंगे नीचे तक कम्प्लीट करेंगे सिलाई को। तो देखिए मैंने फिटिंग कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके इसे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे टॉप की फिटिंग हो गई है। अब हमें देखिए नीचे से ये फोल्ड कर सिलाई लगा लेना, देखिए इस तरह से नीचे में, या आप चाहे तो पिको भी करा सकते हैं या फिर इस तरह से आप फोल्ड कर सिलाई लगा सकते हैं नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमें देखिए नीचे से फोल्ड करके देखिए सिलाई लगा ली है और ये हमारा अम्ब्रेला टॉप तैयार है। देखिए आप इसे इस तरह से बेल्ट लगाकर भी पहन सकते हैं, इससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। देखिए ये हमने करीब 10 से 12 साल की लड़की के लिए तैयार किया है, आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं फिर नाप के हिसाब से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।